हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग सब लोग ही बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों पे सेफ होंगे और बहुत ही हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है मीशो कुर्ती हॉल के ऊपर। ये वीडियो मैंने कुछ देर के बाद शूट करा है क्योंकि मैंने वो कुर्तियाँ तो मंगा ली थी पर वो मुझे फ़िट नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको टेलर को थोड़ा सा रिसाइजिंग करने के लिए दिया था, तभी वो मेरे पास आ गई हैं, इसलिए मैंने इकट्ठे उनकी वीडियो बनाई है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। होप आपको ये कुर्ती हॉल बहुत पसंद आएगा क्योंकि मैंने ये वेडिंग को ध्यान में रखते हुए शूट किया है। वैसे तो अभी लॉकडाउन सब जगह हो रहा है तो वेडिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस समय मैंने इसी पर्पस से ख़रीदा था, इसलिए मैं इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स गेट। तो मेरी पहली जो कुर्ती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है ये ब्लू कलर की। बहुत ही ज़्यादा प्यारी है ये, बहुत ज़्यादा। मैंने इसको बहुत बार पहना भी होगा, आपने वीडियो में अगर नोटिस करा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार और यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो ये पहन के मैंने रखा था जस्ट इसलिए, ये थोड़ी उल्टी है, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब अचानक से दो दिन से बारिश हो रही थी, फिर अचानक गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने बालों को ढक कर लिया। तो ये इस कलर की कुर्ती है, आप देखो कितना प्यारा और वाइब्रेंट कलर है, और प्योर एकदम पार्टी वेयर कुर्ती है। और आपको पूरा ये स्ट्रेट मिलेगा पूरा, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चूनिंग की गई है, चून किया गया है, तो जिसके वजह से इसका लुक और ज़्यादा खिल के आ रहा है। और ये फॉल प्रिंटिंग की गई है इसके ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे बाजू मुझे मिला है 3/4 का, और यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग दी गई है कटिंग, अगर आप बाजू के पास ये कटिंग आएगी, आप देखो ऐसे में करके दिखाती हूँ, ये देखो ये यहाँ पे कटिंग आएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये इस कलर का कुर्ता मुझे रिसीव हुआ है, काफ़ी बढ़िया है ये, और ये 100% कॉटन है, और इसमें मेरी साइज़ है XL। और यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग दी गई है जो आपके यहाँ पे आएगी चेस्ट के पास, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। मैं इसको बता देती हूँ मैंने इसको कैसे और कहाँ से परचेज किया। मीशो से ही करा है, पर कितने में परचेज करा है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने बोला ना आपको कि ये मैंने बहुत पहले ही परचेज कर लिया था, और मुझे कुछ फिटिंग्स की प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने टेलर को दिया था। तो ये मुझे मिला था ओनली 374 रुपये की ये कुर्ती है, और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप इसके ऊपर कोई भी प्लेन दुपट्टा ले लो और सिर्फ यही वियर करो वन पीस की तरह, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा खेल के आने वाली है। तो मेरे तरफ से ये हाईली रिकमेंड है। बाकी मैं यहाँ ट्राई ऑन हॉल ज़रूर लगा दूँगी, आप देख लेना। और ओवरऑल ये गर्मियों के नज़र से भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, क्योंकि ये पूरा अच्छे से एकदम कॉटन कपड़े के साथ बनाया गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ ब्लेंड हो इसमें, नहीं, ये प्योर कॉटन है ये। तो ये भी मेरे तरफ से रिकमेंड है, अगर आपको है तो आप जाके चेकआउट कर लेना। सेकंड कुर्ती जो है मेरी वो है ये ब्लैक कलर की। ये मैंने काफ़ी रिव्यूज़ देखी थी, मतलब लोगों की, जो जिन लोगों ने बाई किया था ना उन लोगों की रिव्यूज़ देखी थी मैंने, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी ये, आप देख सकते हो। ये प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन वैसा वाला कॉटन है जो अगर आप इसको एक बार धुल दोगे तो बिना आयरन के आप नहीं पहन सकते हो। आयरन तो वैसे सब कपड़ों में ज़रूरत होती है प्रेस करने की, पर ये थोड़ा टाइट वाला कॉटन है, जो एकदम टाइट वाला कॉटन आता है ना उस टाइप का है। पर इसकी जो घेरे हैं ना काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अनारकली कुर्ती है ये, आप देखो घेरा जो है वो पूरा कैमरा में भी नहीं आ रहा है, ये देखो इतना ज़्यादा मैं मोड़ के दिखा रही हूँ आपको, ये देखो। तो ये ब्लैक कलर की है, और इसमें वाइट एंड रेड की डिज़ाइनिंग की गई है। फॉल प्रिंटिंग नहीं है, कपड़े के अंदर का खुद का वर्क है, तो ये फॉल प्रिंटिंग नहीं है। आगे में आपको इस तरीके का छोटा सा डिज़ाइन मिल जाएगा, और बैक में आपको इस तरीके की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। इसको आप वी कट भी बोल सकते हो, वी कट ऐसा ही होता है, तो इस टाइप से आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, और ये देवीना कंपनी का है, और इसमें मेरी साइज़ है XL, और इसमें भी आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाते हैं। आप सिंपल इसको किसी भी पार्टी वेयर में, बर्थडे फंक्शन में, या किसी की वेडिंग हो रही है तो उसके हल्दी, या किसी भी फंक्शन में आप पहन के जाओगे, बहुत अच्छा खिल के आएगा आपकी बॉडी पे। और इसकी प्राइस जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 750 रुपये, 750 रुपये है, और आपको मीशो पे मिल जाएगा ये बहुत ईजिली। और नीचे में ना ये ब्लैक कपड़ा अगर सिर्फ रहता तो शायद लुक में थोड़ी बहुत कमी आती, पर ये जो है ना नीचे में जो इन्होंने रेड कलर का जो ये कपड़ा ऐड करा है ना,
मतलब इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। तो ये ओवरऑल दिखने में बहुत सिंपल था, जब मैंने इसको परचेज करा था तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, लेकिन जब मैंने इसको पहना था ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और आप कैमरे में भी देखो, बिना लाइट के नेचुरल लाइट में ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, क्योंकि अभी मैं बाहर बैठी हूँ अपनी बालकनी में। तो आप कपड़े की क्वालिटी भी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो और कपड़े का कलर भी बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। तो ये भी मेरे तरफ से बहुत अच्छा कुर्ती है, गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, आप जाके ले सकते हो इसको भी। थर्ड वाली जो कुर्ती है वो मेरे साइज़ की नहीं हो पाई, एक्चुअली ये बहुत छोटी खरीदी थी मैंने, लेकिन मुझे लगा था कि मैं इसको बढ़वा लूँगी, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी। बहुत प्यारी कुर्ती है लेकिन मैं नहीं कर पाई इसको, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको कुछ करूँगी ज़रूर इसके साथ, कुछ ना कुछ, या तो मैं कुछ डिज़ाइनर कपड़ा ला के यहाँ अटैच करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर। तो सॉरी मैं इसका ट्राई ऑन हॉल नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि ये मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। और ये मुझे ओनली 400 रुपये में मिला था, और आप देखो माय गॉड इसकी कलर देखो यार, इतनी ज़्यादा बढ़िया ये अनारकली कुर्ती है ना, जिसका कोई मैं बता ही नहीं सकती आपको। ये पूरा यहाँ पे घेरे देखिए कितना ज़्यादा चौड़ा वाला जो घेरा है ना वो दिया गया है, नीचे यहाँ पे फॉल प्रिंटिंग दी की गई है पूरे नीचे में, और ये पूरा प्लेन आएगा आपको, पूरा का पूरा प्लेन, और ऊपर में थ्रेड वर्क किया हुआ है, कोई भी प्रिंटिंग नहीं है आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ 3/4 बाजू मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फॉल प्रिंटिंग मिलेगी, और यहाँ पे आपको थ्रेड वर्क है, फिर सितारों से डिज़ाइनिंग की गई है इस टाइप की है, और यहाँ भी आप देखो यहाँ भी आपको फॉल प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये कुर्ती मुझे वन कलर की काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी मैंने हाल फिलहाल में जो वन कलर वाला अपना हॉल शेयर किया है, आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और आपके कमेंट्स मुझे बहुत सारे रिसीव हुए हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ में जो मैंने वीडियो बनाया था क्वेश्चन एंड आंसर का, उसमें भी मुझे बहुत प्यार मिला आप लोगों का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि आप भैया के साथ वीडियो बनाओ, तो मैं कोशिश करूँगी जब ये संडे को घर पे रहे तो मैं इनके साथ ही वीडियो शूट करूँ, कोशिश करूँगी, मैं कह नहीं सकती कन्फर्मली। तो ओवरऑल ये कुर्ती भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, पर सॉरी मैं ट्राई ऑन हॉल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन सेलर की पिक मैं ज़रूर साइड में लगा दूंगी। और 400 में मैं बोलूंगी आप जाके इसे ज़रूर बाय करो, बहुत हल्की है एंड बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है ये, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर। मतलब इस कलर का ना मैंने एक साड़ी भी ख़रीदा था, शायद आपको दिखाया होगा या मैंने कहीं उसको यूज़ करा होगा, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो थोड़ा सैटन लुक में है और ये आपका कॉटन लुक में आ जाता है। काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा है, आप जा सकते हो उसके साथ, और सबके डिस्क्रिप्शन में आपको कोड मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लेना। अभी तक अगर आप लोग को ये नहीं पता है कि मीशो क्या है, तो मीशो है इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप, जहाँ से आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हो। तो वैसा अगर आप घर पे कुछ देख रहे हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत लोग ऐसा है कि जो घर पे बैठा हुआ काम करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप जाके ईजिली किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो अपने कस्टमर को, और बीच में आपको अपनी मार्जिन रखनी है, और वो जो मार्जिन है आपके अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्टली, आफ्टर 15 या 20 डेज़ लग जाता है तो वो आ जाएगा। और अगर आप मेरे कोड के ज़रिए मीशो ऐप को डाउनलोड करते हो, तो आपको पहले वाले परचेज पे 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा, मैक्सिमम 30% आपको ऑफ मिलेगा। तो जाके मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, और मैं मीशो से कैसे शॉपिंग करते हैं, क्या करते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको ज़रूर लगा दूंगी, तो आप आगे की वीडियो में देख लेना। या नीचे कुछ कुत्ते भोंक रहे तो उसकी आवाज़ भी आ रही है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं बालकनी में हूं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर का शोर आ रहा है, तो वो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मौसम अच्छा था, हल्की फुल्की गर्मी थी, इसलिए मैंने बाहर। नेक्स्ट जो कुर्ती है मेरी वो कम्प्लीटली पार्टी वेयर है, कम्प्लीटली इतनी ज़्यादा प्यारी है ये, हल्दी कलर में है ये, कोई भी येलो वो लाइट वाला येलो नहीं है, और हल्की हैवी भी है ये। तो अगर किसी की वेडिंग हो रही है तो अगर आप हल्दी फंक्शन में ऐसी कुर्तियाँ पहनोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगोगे। इसका लुक इतना ज़्यादा औसम आ रहा था, इतना ज़्यादा औसम आ रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं ट्राई ऑन हॉल ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। जब मुझे ये रिसीव हुआ तो ये मुझे आ नहीं रहा था, इसकी साइज़ प्रॉब्लम थी, फिर मैंने इसको टेलर से सही करवाया और देन मैंने इसको पहना। तो आप देखो इस तरीके का है ये, पूरा इतना ज़्यादा घेर है, मैं इसको ऐसे उठा के दिखा रही हूँ आपको, ये देखो घेर, ये देखो कपड़े की क्वालिटी यार इतनी ज़्यादा बढ़िया है। आई थिंक ये जॉर्जेट है या सिफॉन है, मैं दिखा देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे उतना कपड़ों का आइडिया नहीं होता है कि क्या जॉर्जेट है क्या सिफॉन है, सॉरी मैं अभी तक वो सीख नहीं पाई हूँ, जल्दी सीख जाऊँगी। हाँ ये जॉर्जेट है,
ये जॉर्जेट कपड़े में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये लहंगे का लुक आता है एकदम बहुत बढ़िया। और इस तरीके से पूरा आपको दिया गया है, इसके ऊपर ये जैकेट है, ये रिमूव नहीं होता है, लेकिन ये आपको साइड से इतना अच्छा लुक देता है ना कि लगेगा कि वाओ क्या पहना है आपने। और ये पूरे मोतियों का वर्क है जो नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत दिन तक एक्सपेरिमेंट किया है, मेरी टेलर ने इसको 16 डेज रखा है, तो इसमें से एक भी मोती रिमूव नहीं हुआ, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। साइड में आपको इस तरीके की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी क्रॉस वाली, ये आप देखो क्रॉस फीते वाली, और यहाँ पर बहुत प्यारा लटकन दिया गया है, ये देखो। मुझे पता नहीं कि कुर्तियों में लटकन है ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा, तो ये वाला लटकन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये साइड में दिया गया है, और दूसरे साइड में भी आपको वही लटकन सेम टू सेम मिल जाएगा, ये देखो। और ये पूरा देखो कितना हैवी लेंथ का है ये कुर्ती, मैं आपको काश बहुत अच्छे से पूरा दिखा पाती, कैमरे में आ नहीं रहा है। ये आप देखो नीचे की जो मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ, ये देखो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। अगर आप येलो वाला ये ऊपर वाला ऐसे हटा दूँ मैं, तो ये देखो पूरा अच्छा है एकदम, फ्लावर प्रिंटिंग है, क्रॉस डिज़ाइनिंग है, ब्राउन कलर की डिज़ाइनिंग है, मतलब मिक्सअप है, और हल्दी के लिए बेस्ट है। तो 1600 में मुझे ये बहुत वर्थलेस लगा मुझे, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी अभी पोस्टपोन्ड हो गई है, क्योंकि अभी कोरोना कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन मैंने उसकी शादी को ध्यान में रखते हुए इसको बाई किया था कि मैं इसको हल्दी पर पहनूँगी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आगे आप जब उसकी शादी होगी तो अब शायद मैं दूसरा ले लूँ, लेकिन आप ये ड्रेस मुझे ज़रूर देखो हो गए उस समय ब्लॉग में। तो ये भी मेरे तरफ से बिल्कुल ही हाईली रिकमेंड है, ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया है, बहुत औसम है, लुक वाइज भी प्राइस वाइज भी आप बहुत सुंदर लगने वाले हो बहुत ज़्यादा। अगर कुछ अच्छी सी एसेसरीज पहन लो, झुमके पहन लो, और एक सिंपल सा कुछ भी काजल वगैरह या लिपस्टिक लगा लो, माइंड ब्लोइंग लगने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छा है, जाके इसको ट्राई ज़रूर करना। अब जो लास्ट कुर्ती है मेरी, उसके बारे में मैं आपको क्या ही बोलूँ। इस कुर्ती का इंतज़ार मैंने बहुत दिन तक किया था, ये मेरे साइज़ में अवेलेबल ही नहीं हो रही थी, अचानक से मैं बहुत दिन देखती रही मुझे नहीं मिला, पर अचानक से मैंने जब 2-3 महीने के बाद चेक किया तो ये मेरी साइज़ में थी, मैंने फटाफट ख़रीद लिया। ये फिरोज़ी कलर का है, आज आप बोलोगे कि दी के पास फिरोज़ी कलर के 3 कलेक्शंस हैं, हाँ मेरे पास आज 3 कलेक्शंस हैं फिरोज़ी कलर के, और तीनों ही बहुत अच्छे हैं। और ये सुपर कंफर्टेबल कुर्ती है, आप देखो यहाँ पे वाइट कलर की थ्रेड से यहाँ पे डिज़ाइनिंग की गई है, बहुत प्यारा लुक आता है, आप देखो। इसमें मेरी साइज़ है XL, और पूरा आपको कुर्ती इसी तरीके का मिलेगा, नीचे में भी आपको थ्रेड वर्क मिल जाएगा, ये आप देखो, ये बीच से कटिंग है, मतलब मिडिल कटिंग वाली कुर्ती है, लेकिन आई थिंक ये फॉल्स बटन है, खुलेंगे नहीं, हाँ ये बटन फॉल्स है, खुलेंगे नहीं, बस ये ओपन ऊपर वाले बटन को खोलने, मतलब ऑलरेडी खुला छोरा है, इसको लगाने का भी कोई जगह नहीं दिया गया है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे एक स्टिच करके लगाने के लिए बटन को कर देना चाहिए, तभी जाके ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा। और ये है 3/4 स्लीव्स, ये आप देखो, और ये मुझे आई थिंक 580 रुपये में ही मिली थी, और मैंने इसके ऊपर बहुत दिन से नज़र गड़ा के रखी थी, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कॉटन कुर्ती लगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका मटेरियल, मतलब मीशो के मटेरियल्स मैं क्या ही बताऊँ, 1-2 ही मुझे फॉल्ट रिसीव हुए हैं, बाकी उन्होंने मटेरियल्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखा है। तो ये 580 रुपये की कुर्ती है, इसकी ट्राई ऑन हॉल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ये देख लो एक लुक, ये है पूरी की पूरी, कितनी ज़्यादा सुंदर लगने वाली है, मैं बस ऐसे बॉडी में टच करा के आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी ये थी मेरी लास्ट कुर्ती, और ये पांचों कुर्तियाँ मैंने अपने कुछ ना कुछ फंक्शन को सोच के रखी थी, ली थी, जो अब आगे काम आएगी मुझे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मेरी कुर्तियों का कलेक्शन आपको पसंद आया होगा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही सेलेक्टिव कुर्तियाँ आपके साथ शेयर करूँ, आई होप आपको वो पसंद आया होगा मेरा आइडिया। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन सब की जो कोड है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर अभी तक आपने मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लेना फटाफट, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना डेली अपडेट्स के लिए। इन कुर्तियों को पहन के मैंने कुछ कुछ रील्स भी बनाई है, उसको भी चेकआउट कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप लोग सब लोग अपना ख्याल रखो, बाय बाय।